नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। गुवाहाटी में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय शहीद हुए हरिद्वार के जवान सुनीत कुमार सैनी का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके आवास पर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक प्रदीप बत्रा और सुरेश राठौर ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि हरिद्वार के धनौरी निवासी आर्मी जवान का गुवाहाटी में इलाज के दौरान 11 अक्टूबर को निधन हो गया था। 22 सितंबर को गुवाहाटी में सेना के जवानों का वाहन पलटने से उसमें सवार धनौरी का जवान भी घायल हो गया था, जिनका इलाज के दौरान निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गाँव पहुंचा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद से अभी तक उत्तराखंड राज्य में 3,45,701 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से 7,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोविड-19 से मृत्यु पर मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। हालांकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड राज्य सरकार का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से न सिर्फ तमाम लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि तमाम परिवारों को अपने घर का सदस्य खोना पड़ा। ऐसे में उत्तराखंड राज्य सरकार कोविड-19 से मृत्यु पर उनके परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात कह रही है। पिछले महामारी के दौरान जिनके परिवार से भी कोई भी एक सदस्य के जाने पर, एक सदस्य की अगर वहाँ डेथ हुई है, तो हमने तय किया हमारी सरकार ने कि हम जो है 50,000 रुपये की धनराशि सहायता राशि के रूप में। लक्सर में उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता आबकारी निरीक्षक कार्यालय लस्कर का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी से आबकारी निरीक्षक ने अभद्रता की और उप जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी ना होने की बात कहकर कार्यालय का ताला बंद कर वहां से लौट गए। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि उनको शिकायतें मिल रही थी कि आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ी चल रही है और कुछ अनियमितताएं हैं। उसी संबंध में संयुक्त टीम के साथ आबकारी निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। जब आबकारी निरीक्षक ने उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड मांगा तो उन्होंने उनको सक्षम अधिकारी ना बताते हुए कोई भी रिकॉर्ड दिखाने से साफ मना कर दिया। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ है, वहाँ कुछ अनियमितताएं हैं और कुछ इस प्रकार का कुछ और जगह से भी कुछ बातें संज्ञान में आ रही थी। उसी संबंध में आज टीम के साथ निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर आबकारी निरीक्षक ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी मुझे मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं देंगे और मैं सक्षम नहीं हूँ कि उनका किसी रिकॉर्ड की चेकिंग कर सकूँ। और यदि मुझे निरीक्षण करना है तो 3 दिन पहले का नोटिस दिया जाए और उनसे मेरे द्वारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड मांगा गया कि आपके यहाँ पर कितने कार्मिक हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके आबकारी अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और साथ ही ये कहा गया है कि उनके पास कोई मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में किस समय उनके कार्मिक जाते हैं, और ना ही उन्होंने मुझे कोई अभिलेख दिखाया कि यहाँ पर जो हमारे जो आबकारी का जो राजस्व है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार उनके द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और निरीक्षण के दौरान मात्र वही अपने कार्यालय में उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर जो है आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने ताला लगाया और वो चले गए। आबकारी निरीक्षण को भी वो प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है, यदि जनता की कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो उन्हें मुझे अपने संज्ञान में लाना चाहिए था और उनको यदि मैंने उनका कार्यालय का निरीक्षण किया तो उन्हें सारे अभिलेख प्रस्तुत करते हुए सारी स्थिति समझानी चाहिए थी। हरिद्वार के सिडकुल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिडकुल स्थित रैबिट कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि आग लगने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक रैपिड कंपनी में भीषण आग लग गई। आसपास मौके पर मौजूदा लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के क्षेत्र को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दहशत का माहौल भी देखा गया। आप देख सकते हैं कि पूरी कंपनी में भीषण आग लगी हुई है और आग की लपटें कितनी तेजी के साथ उठ रही हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने के कारण क्या रहे हैं। हरिद्वार की रैपिड कंपनी में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। आग किन कारणों से लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी इंतजार रजा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंतजार, ये जो रैपिड कंपनी में आग लगी, आग लगने के कारण क्या है? क्या उस वक्त कंपनी के अंदर कोई मौजूद था? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये आग लगने घटना हुई है हरिद्वार के छिड़कू क्षेत्र में, ये घटना हुई है। जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी उस वक्त वहाँ नहीं थे और जो सिक्योरिटी होती है कंपनी की, वही उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्हीं के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन या फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी आग लगने की, और आग जो आसपास की जो दमकल कर्मी है सब लोग वहाँ पहुंचे थे और आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इंतजार तो कंपनी में भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तरह से आग की लपटें चारों तरफ फैली हुई हैं। क्या अभी तक नहीं जानकारी मिल पाई है कि आग लगने के कारण क्या रहे हैं? कंपनी में क्या उस वक्त कोई मौजूद था या नहीं हुआ था? क्या कोई बड़ा हादसा यहाँ हुआ है? कितने का नुकसान हुआ है, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जो कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर कोई वर्कर या अन्य कोई व्यक्ति इस तरह का मौजूद नहीं था जिससे कोई जनहानि की कोई नहीं हुई है और लाखों का यह नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन सिड़कू क्षेत्र में होने की वजह से वही फायर ब्रिगेड है वो स्टेशन नजदीक होने की वजह से इस आग पर जल्दी काबू पाया गया। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो आग की लपटें इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जो सामान था वो जलकर पूरा राख हो गया और किसी तरह कोई जनहानि नहीं हो पाई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार के सिड़कुल में एक रैबिट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने के कारण क्या रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि काफ़ी लाखों का नुकसान तो हुआ है लेकिन उस वक्त कंपनी में कोई मौजूद नहीं था, ये राहत की बात है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कर्णप्रयाग के उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई वार्डों, लैब रूम और अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मरीजों से पता चला है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज अच्छे से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भीड़भाड़ होने के कारण साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन को निर्देश भी दिया जा चुका है। उपजिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग है, उसका वृहद रूप से निरीक्षण किया गया। समस्त वार्ड में और हमारे जो टेस्टिंग सेंटर हैं सबका निरीक्षण किया गया, पेशेंट्स का हालचाल पूछा गया। एक इशू जो हमारे संज्ञान में है, थोड़ा साफ़ सफाई दुरुस्त करने की आवश्यकता है क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा है तो गंदगी थोड़ी हो जा रही है, उसको करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल पेशेंट्स का जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा था कि जो इलाज आवश्यक इलाज है वो मिल रहा है, और किसी को अगर किसी कमी की हमें संज्ञान में आया तो हमें तुरंत हमने निर्देश दिए कि उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ आज पूरे ज़िले में एक टीकाकरण का महाअभियान भी संचालित है, तो उसके क्रम में भी हमारे द्वारा जो टीकाकरण केंद्र है उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। और फ्यूचर में हमारा प्लान है कि इस हॉस्पिटल को किसी सीसार एजेंसी के या फिर शासन से हम एक प्रस्ताव भेजेंगे कि इसका पूरा जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि कहीं कहीं क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो उसका एक प्रस्ताव बनाकर हम भेजेंगे और जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। गढ़वाल के अपर भक्तियाना में आज एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामले में श्रीनगर चौकी इंचार्ज दीपक तिवारी का कहना है कि प्रथम दृष्टा में व्यक्ति की मौत ज्यादा शराब पीने से पांव फिसलने से लग रही है। मृतक का नाम सचिन बताया जा रहा है, जो हरियाणा का रहने वाला है। दीपक तिवारी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 40 साल के आसपास है और पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क करने की कोशिशों में है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति ने देर रात शराब पी थी, फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। लगभग 9 बजे थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव जो है लोअर भक्तियाना श्रीनगर में, उसकी जो है टीन सेट में मकान के बाहर क्यारी में गिरा पड़ा है। तो इस सूचना पे हम
पुलिस फोर्स साहब मौके पर पहुँचे तो देखा कि सचिन नाम का व्यक्ति है, तो लेबर क्लास है, लेबरी करता है, उसका बॉडी जो है क्यारी में गिर पड़ी थी। तो शराब पीने का आदि था काफ़ी, आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि ड्रिंक करने का ज़्यादा आदि था, हैबिट चलता है, विदाउट फैमिली रहता था, परिवार इसका कोई है नहीं, हरियाणा का ही बिलोंग करने वाला है, उम्र लगभग इसकी 40 वर्ष है। तो अभी फैमिली से इसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है, तो नियमानुसार हमने इसकी बॉडी 72 घंटे के लिए जो सरकारी अस्पताल सिकंदरी मोर्ची में रख दी है, पंचायत नामा की कार्रवाई पूरी रूप से की, 72 घंटे बाद इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, परिजन मिल जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? ये चूड़ी बिंदी बेचने वाला एक रजुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जो ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहा था, और उसके पास टिकट नहीं था, तो उसने टिकट बनवाने के लिए जब टीसी को बोला तो टीसी ने उसको धक्का दिया, ये उसका कहना है। और इस बात की अभी जाँच चल रही है, जो जीआरपी है और पुलिस सिविल पुलिस दोनों इसकी जांच कर रहे हैं। अब इसमें पता चलेगा कि टीसी की कितनी गलती है। इस पूरे मामले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बिल्कुल संजय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गढ़वाल का एक पूरा मामला है जहां पर एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ऋषिकेश में रायवाला जंक्शन के पास एक युवक ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जानकारी किसी राहगीर ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को एक स्वाट एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया। पूछताछ में घायल युवक ने पुलिस को अपना नाम राजुद्दीन निवासी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश बताया। घायल युवक का कहना है कि वो चूड़ी बिंदी इन सामान को बेचा करता था और वो ऋषिकेश से ट्रेन से गाजियाबाद जा रहा था। उसके पास टिकट नहीं था, उसने टीटी से टिकट बनाने का अनुरोध किया, लेकिन टीटी ने उसे ट्रेन से बाहर धक्का मार दिया, जिससे वो ट्रेन से बाहर गिर गया। मामले में पुलिस ने बताया कि जीआरपी को घटना की सूचना दे दी गई है और जाँच के बाद ही घटना की सही वजह पता चल पाएगी। ये कैसे चोट कैसे लगी? पेनल्टी का तो था, हाँ, टीटी से धक्का दिया था। कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन में बैठे थे? गाजियाबाद जा रही। रुड़की के पुहाना गांव में मौजूदा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। इस घोटाले में क्षेत्र के सुपरवाइजर सहित कई अधिकारियों की मिलीभगत पर भी संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि पूरे मामले में संबंधित अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने आने से बचते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भगवानपुर ब्लॉक के पुहाना ग्राम में प्रति माह दिए जाने वाले बच्चों के आहार के 5 पैकेट की कीमत 100 रुपये वसूली जा रही है, जबकि सरकार की ओर से इन पैकेटों पर 6 रुपये का प्रिंट रेट दिया जा रहा है। वहीं संबंधित मामले में जब क्षेत्रीय सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने हर बार मीटिंग में होने का बहाना कर कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। तो रुड़की का एक पूरा मामला है, अधिकारियों की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो आहार मिलता है बच्चों के लिए, उसमें बड़े घोटाले की बात कही जा रही है। पर पैकेट 100 रुपये वसूला जा रहा है, और जब भी इस पूरे मामले में अधिकारियों से पूछने की कोशिश की जाती है, जो सुपरवाइजर हैं उनसे पूछने की कोशिश की जाती है, तो कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही इस बार हुआ, बहाना बनाकर कि वो मीटिंग में हैं, उन्हें कुछ काम है, इस तरह से मामले से वो पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। दरअसल रुड़की के बुहाना गांव का एक पूरा मामला है जहां पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बड़े घोटाले की आशंका है। इस घोटाले में क्षेत्र के सुपरवाइजर और तमाम अधिकारियों की मिलीभगत भी बताई जा रही है, क्योंकि पूरे मामले में संबंधित अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। भगवानपुर ब्लॉक के पुहाना गांव में प्रति माह दिए जाने वाले बच्चों के आहार के 5 पैकेट की कीमत 100 रुपये वसूली जा रही है, जबकि सरकार की ओर से इन पैकेटों पर 6 रुपये का प्रिंट रेट दिया जा रहा है। वहीं संबंधित मामले में जब क्षेत्रीय सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने हर बार मीटिंग में होने का बहाना कर दिया और कैमरे से बचते हुए नजर आए। आंगनबाड़ी में परेशानी, हम गए राशन लेने, तो कहा पहले पैसे ले आओ, बगैर पैसों का राशन नहीं मिलने का। और क्या नाम है, तुम बच्चों को भेजे, हमने बच्चों को वापसी कर दिया, फिर नुका तुम यो, हम 100 रुपये ले गए जब हमें राशन दिया, 100 रुपये लिए, हाँ कैसे ही मिलेगा राशन पैसों में ही? हाँ, हमारी आंगनबाड़ी कौन सी? इसकी नीलम है, हाँ ये है, ले रही थी, हम ले नहीं गए राशन,
हम ना ले गए, हम ना क्या कहा आपको, नुका 50 रुपए ले आ और ले जा, सरकार नो दे रखा ऊपर तो ही। अच्छा पहले आपको इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेगी, इसके बाद पैसे दे जाएंगे सामान से पहले? हां पैसे दे दे और पांच ये ले जा और वो ले जा। पचास रुपए में पांच, पचास रुपए में पांच। सर यहाँ से समस्या आ रही थी कि जैसे मैं घर था तो मेरी चाची और मेरी भाभियाँ लेने के लिए आई राशन, तो मैडम के पास आई, उन्होंने बोला कि 50 रुपये लगेंगे आपके राशन के, तो सर उन्होंने मुझे बताया जाकर घर, तो मैं वापस आया मैडम के पास, मैंने पूछा मैडम किस चीज़ के पैसे 50 रुपये ले रही हो? मैडम ने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिलेगा 50 रुपये में, ये नैपकिन है मतलब जो होते ना बोलते पैम्पर्स लेडीज़ की मतलब पर्सनल चीज़ है उसको बोलते, तो उस पर प्राइस था 6 रुपये, 10 रुपये पर पीस के हिसाब से ले रही है सर, और उस पर 6 रुपये पर पीस था। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शहजाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, ये जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चों को आहार मिलता है उसमें जो घोटाले की बात हो रही है, इसको लेकर अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? जी मैं आपको बता दूं, भगवानपुर ब्लॉक के कुहाना गांव का ये पूरा मामला है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बच्चों का प्रति महीने आहार आता है उसे देने के एवज में जो पेड़ आती है उनको किसी से 50 रुपए लिया जा रहा है और किसी से 5 पेड़ का 200 रुपए लिया जा रहा है, ये ग्रामीणों का आरोप है। अगर इस बारे में अधिकारियों से बात करनी चाहिए, जो वहाँ के सुपरवाइजर है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का बहाना लेकर केंद्र से बचते हुए नजर आ रहे और कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल शहजाद, अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पर, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह के घोटाले की बात की जा रही है? ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है जितना भगवानपुर ब्लॉक में जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र है उन पर सब पे इस तरह ही किया जा रहा है, और जो राशन लेने के लिए वहां पर आते हैं उनसे पहले बोला जाता है पहले आपको पेड़ लेनी पड़ेगी उसके बाद आपको राशन मिलेगा, ये हमारे उच्च अधिकारी का ऑर्डर है, और इस तरह की कहकर के ग्रामीणों को परेशान भी किया जा रहा है। जबकि ग्रामीणों को कुछ ग्रामीण ऐसे भी होते हैं उनके घर में खाने के लिए राशन तो नहीं है, वो 20 रुपए का पेड़ कैसे लेंगे 100 रुपए का? जी बिल्कुल शहजाद, अगर बात की जाए अधिकारियों की तो जब भी मीडिया का कैमरा उन पर जाता है तो वो इससे बचते हुए नजर आते हैं, या फिर ये कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उन्हें मीटिंग में जाना है, ये बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं? इससे तो साफ है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। कहीं जी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ही ये कार्य किया जा रहा है, इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, इसी वजह से मीडिया कैमरे से सामने आने से अधिकारी लोग बचते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला दरअसल ये आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर घोटाले की बात की जा रही है कि यहाँ पर घोटाला हो रहा है, जो सरकार के द्वारा 6 रुपये में पैकेट आता है वो यहाँ 100 रुपये में दिया जा रहा है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन, जनमन, स्वेच्छा संगठनों और स्वयंसेवकों द्वारा कोविड-19 जन जागरूकता रैली को कोविड शपथ दिलाकर रवाना किया। ये रैली जनपद मुख्यालय के प्रमुख चौराहों, बाजारों में नुक्कड़ नाटक विधाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप रैली भी निकाली गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने रैली में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद अभी कोरोना मुक्त हुआ है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए जरूरी है कि कोविड-19 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आमजन को जागरूक भी किया जाए। बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा की गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा के दौरान बन रही डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ रिवर में बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान के साथ उत्तरकाशी के कलाकार भी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आपको लोकगीत बाजूबंद, झोड़ा पवाड़ा भी सुनाई देंगे। इसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु के साथ संवेदना समूह के कलाकारों ने हर्षिल में ढोल दमाओं के साथ शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के साथ काम करने पर स्थानीय कलाकारों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि म्यूजिक डायरेक्टर शांतनु मोइत्रा ने बीती 10 अक्टूबर को गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान वो गंगा और गंगा के किनारे रहने वाली संस्कृति और परंपरा पर सॉन्ग ऑफ रिवर थीम के साथ डिज्नी हॉटस्टार के लिए म्यूजिकल डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं।
रुड़की में विजयदशमी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर रुड़की के नेहरू स्टेडियम में रावण और कोरोना के पुतले बनाए जा रहे हैं। जी हां, इस बार विजयदशमी पर रावण के साथ साथ कोरोना का पुतला भी फूंका जाएगा। इसकी तैयारियां पिछले 15 दिनों से चल रही हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश से बुलाए गए कारीगर काम करने में लगे हुए हैं। बता दें कि इस बार कोरोना ने लाखों लोगों की जान ली है, जिसको लेकर इस बार कोरोना का भी पुतला बनाया जाएगा, ताकि इस दशहरे के बाद कोरोना देश और दुनिया से पूरी तरह से मिट जाए। कल होने वाले दशहरे में रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है, जबकि कोरोना का 55 फीट ऊंचा पुतला बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शहजाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, कल विजयदशमी, क्या कुछ तैयारियां रुड़की में देखी जा सकती हैं? क्या कुछ खास होगा इस बार? कल जैसे विजयदशमी का त्यौहार है, वहीं पर रुड़की में पूरी विजयदशमी के लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और नेहरू स्टेडियम में दो, वहां पर जो रावण का और एक कोरोना का पुतला बनाया जा रहा है। जो रावण का पुतला है वो 70 फीट का है, जो कोरोना का है 55 फीट का पुतला बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कोरोना का पुतला इसलिए बनाया जा रहा है कि जैसे कि देखिए पिछले 2 साल से लगातार कोरोना वायरस चलता आ रहा है, और यहाँ पर विजयदशमी पर ये पुतला दहन कर कहीं ना कहीं देखने और कहीं भी कोरोना ना रहे, इसलिए कोरोना का पुतला बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल शहजाद, देखा जाए तो हर साल दशहरे पर एक अलग ही धूम देखने के लिए मिलती है। इस बार कोरोना का भी पुतला दहन किया जाएगा ताकि कोरोना से मुक्ति मिल सके। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि जब जब ऐसे दशहरे पर मेले लगते हैं या रावण दहन होता है तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। जी मैं आपको बता दूं, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और जहां पर ये पुतले दहन किए जाएंगे वहां पर प्रशासन के बड़ी अधिकारी आकर वहां पर इंजेक्शन भी कर रहे हैं और सभी तरह की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि रुड़की में इस बार दशहरे का नजारा जो है वो अलग होने वाला है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों सहित कोरोना का भी पुतला बनाया जा रहा है ताकि उसका भी दहन हो सके, और ये कामना की जाए कि इस दशहरे के बाद कोरोना देश और दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाए। चारधाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की आंकड़ा एक बार फिर 1 लाख के पार पहुंच गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या की बाध्यता हटने के बाद चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुताबिक बुधवार को चारधामों में करीब 7,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए, जिसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा यानी कि 2,418 यात्रियों ने दर्शन किए। कुल मिलाकर अब तक चारधामों में 1,03,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने से केदारपुरी बाबा के जयकारों से गूंज गई है। साथ ही सायकालीन आरती में भी काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बता दें कि बीते 5 अक्टूबर को ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई, जिसके बाद से धाम प्रतिदिन शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को केदारनाथ में शाम तक 4,000 से ज्यादा शिव भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहीं शाम की आरती में 1500 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा प्रभारी युद्धवीर सिंह पुष्पवाण ने बताया है कि बीते 18 सितंबर से अभी तक 48,000 से ज्यादा केदारनाथ में बाबा के दर्शन करने के लिए यात्री पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।